राजधानी के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सैकड़ों छात्र ऑनलाइन शिक्षा से कोसों दूर हैं। राजधानी के दूरदराज के इन गांवों में रहने वाले बच्चों के पास मोबाइल इंटरनेट सेवा नहीं होने से उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई करना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में यहां के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों ने शिक्षक आपके द्वार कार्यक्रम की एक अनूठी पहल शुरुआत की है, जिसमें शिक्षक खुद बच्चों के घर जाकर उनको शिक्षा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। नवबारा समाचार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अश्विनी कुमार। मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा है और मैं प्राथमिक विद्यालय गुमानी खेड़ा मोहन लालगंज में अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। सरकार द्वारा चलाई गई ऑनलाइन शिक्षण योजना में हमारे विद्यालय के सभी बच्चों को हम जोड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि तमाम अभिभावकों के पास मल्टीमीडिया सेट नहीं है और परिषदीय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण नेटवर्क की समस्या और रिचार्ज की कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा था। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि बच्चे विद्यालय कोरोना काल में नहीं आ सकते हैं तो शिक्षा तो उनके द्वारा जा ही सकती है। हम सभी स्टाफ ने मिलकर एक तरीका निकाला कि हम लोग बच्चों के घर घर चलकर शिक्षा और दीक्षा का कार्यक्रम चालू करते हैं। हम सभी 8 बजे विद्यालय पहुँच जाते हैं, उसके बाद हर घर अलग अलग तरीके से टोली बना के निकलते हैं, घर घर जाकर बच्चों को काम देते हैं और उनका होमवर्क चेक करते हैं और साथ ही ये कार्यक्रम करीब 1 से 1.5 बजे तक पूरा कर देते हैं। हम लोग गाँव चूँकि छोटा है हमारा, तो 1 से 1.5 बजे तक पूरे गांव का हम लोग भ्रमण कर लेते हैं, साथ ही बच्चों को काम दे देते हैं। बच्चे अगले दिन के लिए हम लोग जब पहुँचते हैं तो एकदम तैयार मिलते हैं और बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी अब बहुत ही खुश हैं, क्योंकि बच्चे लगातार पढ़ाई जारी कर रहे हैं।